हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैमर। सोशल मीडिया पर तो सभी सेलिब्रिटीज एक्टिव रहते हैं, पर निधि अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी फैशन स्टाइल की वजह से भी डोमिनेट करती है। वहीं यंग गर्ल्स को उनका इंडियन लुक बहुत पसंद आता है, पर निधि शाह पर्सनली खुद को ग्लैमरस लुक में ज्यादा पसंद करती है और ज्यादातर वेस्टर्न क्लोथ्स में ही खुद को कैरी करती है। निधि की लाइफ से जुड़ी अब तक की उनकी जर्नी और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूं, और अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। निधि शाह का जन्म 20 अक्टूबर 1998 को मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई करण शाह भी है, जो फिलहाल अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रहे हैं। निधि के फादर एक बिजनेसमैन है, पर वो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं और उनकी कोई भी डिटेल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। निधि की माँ उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। उनकी माँ के सेक्रीफाइसेस और एफर्ट्स की वजह से ही निधि आज इस मुकाम तक पहुँच पाई है, और वो उनके बिना खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती। प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें तो उनकी माँ एक फैशन डिजाइनर है और उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो निधि की माँ है। अपनी माँ की ही फैशन डिजाइनिंग स्किल्स निधि में भी देखी जा सकती है, और इसीलिए निधि शाह की ड्रेसेस गूगल का मोस्ट सर्च्ड टाइटल बना रहता है। इनफैक्ट उनके अब तक के शोज में उन्होंने चाहे जो भी रोल्स निभाए हो, पर उनका ड्रेसिंग सेंस ही व्यूअर्स को सबसे पहले अपनी तरफ खींचता है। बचपन से ही निधि में ड्रेसिंग एटिकेट्स कूट कूट कर भरे थे, और फैशन की तरफ भी उनका इतना झुकाव था कि वो अपनी माँ का मेकअप बॉक्स लेकर 7-8 साल की उम्र से ही मेकअप करती रहती थी, जिसके लिए उन्हें अपनी माँ से बहुत डांट भी खानी पड़ती थी। निधि के एक्टिंग करियर के बारे में बताने से पहले उनके स्कूल लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। निधि ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के जानकी देवी पब्लिक स्कूल से कम्प्लीट की और कभी भी अपनी क्लासेस बंक नहीं की। फिर मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, पर कॉलेज उनका रेयरली ही जाना हो पाता था। जब निधि अपने स्कूल डेज में थी, तब उनके स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट मैम ने ऑडिटोरियम में एक पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। मीटिंग वाले दिन जब वो स्पीच दे रही थी, तभी निधि के एक फ्रेंड ने पीछे से एक जोक मारा और निधि अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई और बहुत जोर से हंस दी। तब वाइस प्रेसिडेंट मैम ने सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के सामने उन्हें स्टैंड अप बोलकर बहुत डांटा था और उनका नाम भी पूछा था। इतने सारे लोगों में उनकी ये इंसल्ट उनकी लाइफ की मोस्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन में से रही है। बचपन में स्कूल डेज के दौरान वैसे तो उनके सेलिब्रिटी क्रश शाहरुख खान हुआ करते थे, पर क्लास 8 में उन्हें पहली बार एक लड़के पर सच में क्रश हुआ था, बट वो क्रश बनकर ही रह गया। फिर क्लास 10th में आते आते वो एक लड़के से रिलेशनशिप में आई, और बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही वो उससे मिलने गई और अपनी फ्रेंड की बिल्डिंग की टेरेस पर उन्होंने पहली बार उस लड़के को किस किया था, बट थैंकफुली किसी ने उनको पकड़ा नहीं। बट 11th-12th स्टैंडर्ड में आते आते उनका उस लड़के से ब्रेकअप हो गया, और ये उनकी लाइफ का पहला हार्ट ब्रेक था। दिवाली पर हमेशा ही उनके घर गोल्ड खरीदा जाता है। जब निधि काफी छोटी थी, तब एक बार दिवाली वाले दिन वो एक गोल्ड नेकलेस लेने के पीछे पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी। उनके पेरेंट्स ने उन पर तब भी कभी हाथ नहीं उठाया और ना डांटा, क्योंकि वो उनका बचपना था। पर टीनेज फेज उनके लिए थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग साबित हुआ, और उन्होंने एक बार अपनी माँ की किसी बात पर उनको पलट कर जवाब दे दिया था, जिस पर पहली बार उनकी माँ ने उन्हें स्लैप किया था। पर निधि ने फिर से कभी वो गलती रिपीट नहीं की। वैसे तो उनकी लाइफ में उनके काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, पर उनकी एक फ्रेंड नम्रता को वो अपनी फर्स्ट फ्रेंड इसलिए मानती है क्योंकि वो उनकी पहली फ्रेंड थी जिसने उन्हें फ्रेंडशिप का ट्रू मीनिंग समझाया, और आज भी वो उनकी काफी अच्छी दोस्त है। और प्रोफेशनली वो भी एक स्टाइलिस्ट एंड फैशन डिजाइनर है, और नम्रता वाधवानी डिजाइन्स और स्टाइल एंड मूड की फाउंडर भी है। उनकी माँ उनके पैदा होने से पहले गणेश जी से जो भी प्रे किया करती थी वो उन्हें मिल जाता था, और निधि भी उनकी प्रेयर्स की वजह से ही उनकी लाइफ में आई थी। तभी से हमेशा वो अपने घर में गणेश स्थापना करते हैं, और निधि भी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है, और उनका फेवरेट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है। क्योंकि वो एक्टिंग के लिए हमेशा से ही अपना सपना रखती थी, इसलिए काफी यंग एज से ही उन्होंने ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला ऑडिशन एक ओरियो चॉकलेट बिस्किट के एड के लिए दिया था, और उनकी वो पहली परफॉर्मेंस काफी बैड रही थी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 15 साल की एज में उन्होंने एक टीवी सीरीज दैट्स टू ऑसम में पहली बार कैमरा फेस किया था, जिसमें उनका रोल शायद ना के बराबर सा था, और इस सीरीज के बारे में कहीं भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बाद में ईयर 2013 से निधि के करियर की ठीक से शुरुआत हुई, और उन्हें मेरे डैड
छठ की मारुति में एक कैमियो रोल निभाने का मौका मिला। उसके बाद एक और मूवी शाहिद कपूर स्टारर फटा पोस्टर निकला हीरो में भी वो कैमियो रोल में देखी गई। पर ये कैमियो रोल्स उन्हें ज्यादा कुछ पहचान दिलाने में कामयाब नहीं रहे और जल्दी ही उन्होंने टीवी की तरफ रुख कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवीज में आगे ट्राई नहीं करेंगी। वो चाहे टीवी शोज हो, एड्स हो, वेब सीरीज हो, मूवीज या फिर म्यूजिक एल्बम्स, सब में अपना लक जरूर ट्राई करना चाहती हैं। इन दो मूवीज के बाद जाना ना दिल से दूर उनकी लाइफ का पहला टीवी शो साबित हुआ, जिसमें उन्होंने गुड्डी एके श्वेता कश्यप का रोल प्ले किया था, जिसका कैरेक्टर काफी कलरफुल एंड बबली था और वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की थी। निधि कहती है कि उनका वो कैरेक्टर उनके जैसा ही था और रियलिटी में वो भी काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इस शो ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में काफी फेम दिलाया था। फिर उन्हें उनकी लाइफ का सेकंड ब्रेक जन्नत जुबेर स्टारर तू आशिकी शो से मिला, जिस शो ने उन्हें पॉपुलर फेसेस में शामिल कर दिया। काफी ऑडियंसेस का तब मानना था कि जन्नत की जगह निधि को ही लीड रोल दिया जाना चाहिए था। इस शो में उनके अपोजिट किरण राज कास्ट किए गए थे और शो में पूर्वा का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स में से एक था। बाद में कवच में सुमन शर्मा और कार्तिक पूर्णिमा में शनाया जैसे कई टीवी शोज में वो अहम किरदार निभा चुकी है, पर उन्हें लीड रोल जैसा कोई भी ब्रेक अभी तक नहीं मिल पाया था। फिर कुछ एड्स और शी इज अ मेल नाम की एक यूट्यूब कॉमेडी वेब सीरीज में वो शीमेल के रोल में भी देखी गई। साथ ही होप यू डोंट माइंड नाम के एक म्यूजिक वीडियो में भी, जिसमें अगेन उनकी ब्यूटी और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा शो में किंजल के रोल ने उनकी फैन फॉलोइंग डबल की है। जब इस शो में निधि की एंट्री हुई तो सभी के मुंह से बस एक ही लाइन निकली थी कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उनके फेशियल फीचर्स, फेस कट, ड्रेसिंग सेंस सभी को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, साथ ही उनका ग्लैमर और एक्टिंग का जादू भी। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही उनके फेवरेट प्रोड्यूसर है। निधि कहती है कि ना सिर्फ वो खुद 100% देते हैं बल्कि उनकी पूरी टीम से भी 100% एफर्ट दिलवाते हैं और हमेशा ऑडियंसेस को बेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही टीम में किसी की भी हेल्थ खराब होने पर वो उनकी हेल्थ के बारे में पर्सनली कॉल करके भी पूछते हैं। निधि की लव लाइफ की बात की जाए तो वो हरीश चंदानी को सीक्रेटली डेट कर रही है, जिनसे वो टीवी शोज के दौरान मिली थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। बात करें उनके लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की तो निधि चिकन बर्गर और चिकन बिरयानी की इतनी दीवानी है कि उन्हें खाने को कह दिया जाए तो वो रोज रोज इसे खा सकती है। इसके अलावा एक्टर रणबीर कपूर और रणवीर सिंह उनके फेवरेट एक्टर्स हैं और आलिया भट्ट उनकी फेवरेट एक्ट्रेस। इनफैक्ट आलिया भट्ट की एक्टिंग को वो सबसे ज्यादा एडमायर करती है। निधि को कुकिंग का शौक है और वो अंडा भुर्जी और मसाला ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेती है। ट्रैवलिंग की दीवानी निधि लाइफ में पहली बार अकेले हांगकांग जा चुकी है और ये उनकी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप भी थी। उन्होंने अपनी लाइफ की पहली कार ह्युंडई वर्ना खरीदी थी और मूवी मेरे डैड की मारुति से मिली अपनी पहली सैलरी से उन्होंने अपनी माँ को वॉच खरीद कर दी थी। उनकी पहली ईमेल आईडी सिंगर हिमेश रेशमिया की फेवरेट वर्ड लेट्स रॉक से स्टार्ट थी और letsrock_nidhi07@yahoo.co.in उनकी फर्स्ट ईमेल आईडी रही है। लास्टली जब उन्होंने कॉमेडी वेब सीरीज शी इज अ मेल में काम किया था तो अनुपमा शो में किंजू बेबी के नाम से पॉपुलर हो चुकी निधि को ऑडियंसेस कमेंट करके कहती है किंजू बेबी बा वांट्स टू नो योर लोकेशन। इतना ही नहीं, फैंस उन्हें बार बार इसी लाइन से और किंजू बेबी बुलाकर अपना प्यार देते रहते हैं। तो आप भी निधि शाह को अपना प्यार यूं ही देते रहिए इस वीडियो को लाइक करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।